हाँ बेटू की कर रहे हैं मालिश। बेटू बेटू आ आ आ खिसकाओ खिसकाओ, और ऊपर करो, और ऊपर आ आ आ। एंड कुंजू को देखो, ऐसे ही रहती है पूरे दिन। पावलू हट यहाँ से, पावलू हट यहाँ से। या कुंजू, एंड यहाँ पे एक्चुअली मैं कुछ ना काम करवा रही हूँ टेरेस पे, तो इसलिए यहाँ पे ताकि पाबलो और कुंजू दूसरी साइड ना आए जहाँ पे काम चल रहा है और उनको परेशान आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सामान रख दिया था। और ये बार बार आ रहा था देखने के लिए कि मैं कैसे यहाँ से निकल सकता हूँ। एंड दिव्यू है मेरे साथ और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि कितना काम हो गया कितना नहीं। ये देखो, मैं आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कितना यहाँ पर काम करवाया है। और फिर कुछ काम मैंने दूसरी साइड टेरिस पे करवाया है। ये कुछ काम ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो काफी टाइम से पेंडिंग थे। देखो 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 दिव्यू दिव्यू, देखो मम्मा दिव्यू, मम्मा बोलो, और कुंजू के कान कैसे खड़े हुए। ओ माय गॉड, कुंजू कुंजू कुंजू, नहीं 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 बेटा नहीं, अभी अब छोटे हो। नहीं कुंजू, भैया का हाथ नहीं चाटते। नहीं, अब बाद में खेला करना ऐसे इसके साथ। चलो ये ऐसे है ना, पूरा मतलब पूरा रूम का भ्रमण कर देता है, पूरे रूम का क्या घर का कर लेता है ये देखो। नहीं कुंजू नहीं। एंड यहाँ पे दिव्यू पाबलू कुंजू के साथ खेलने के बाद फाइनली सो गया। इसको सुलाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, और अगर ये सो जाए तो ऐसा लगता है कि आपको जन्नत मिल गई, क्योंकि ये सोता है, इसकी नींद बहुत ज़्यादा कम है। आज मैंने बुलाया, ऑनलाइन बुकिंग की थी मैंने पाबलो कुंजू के ग्रूमिंग के लिए, क्योंकि पाबलो कुंजू के ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है इस टाइम, मतलब पाबलो के नहीं हो रहा, कुंजू को बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सोचा कि पाबलो की भी ना ग्रूमिंग करा देती है, क्योंकि गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा है। एसी चाहे कुछ भी है लेकिन फिर भी बहुत गर्मी लगती है पाबलो को। तो अभी भाई आ चुके हैं, काफ़ी कटिंग तो उसे कर भी चुके हैं। अगर आप नोएडा वगैरह रहते हैं ना, तो मैं इनका ना लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इनसे ना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कहीं दिल्ली NCR कहीं भी आप रहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ना हर जगह सर्विस है दिल्ली NCR में। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अभी पाब्लो कितना हफ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। ये देखो बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा। मैंने ना इधर की साइड करवा रही हूँ, देखो बस बस बैठ जा पाब्लो, बस 2 मिनट की बात और है। और ओए 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 ओए, तूने कैच खोला, पीछे 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 पाव, तू चल 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 पीछे हो जा पावलो। ये हमारे घर की विक्टोरिया। पावलो बड़ी उम्मीदों से देख रहा, प्लीज मुझे हटा लो यहाँ से ही, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। और कुंजू, अभी कुंजू तेरा भी नंबर आएगा, रुक जा रुक रुक, तेरा भी नंबर आएगा, बहुत विक्टोरिया बनती है ना तू, रुक आएगा नंबर तेरा। पाब्लो की हेयर कटिंग ना मैं अक्सर करवाती रहती हूँ, एंड 0 पे मैं इसकी कटिंग करवाती हूँ, क्योंकि जब हमने परचेज़ किया था ना, मतलब एक्चुअली इसको अडॉप्ट नहीं किया था, हमने कुंजू को अडॉप्ट किया था, इसको परचेज़ किया था हमने,
तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि इसके ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे, 1-1.5 साल तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मतलब इसके लिए हमने इतना कुछ सामान ले लिया था ना कि ताकि इसके बाल ना झड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा झड़ते थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक बार कि इसको ना मतलब प्रॉपर इसकी कटिंग करवा के देखते हैं ज़ीरो पर। तो वही हमने करवाई और मैं 2-3 बार करवा चुकी हूँ इसके। अब बाल ना मतलब एक नाम मात्र के लिए झड़ते हैं, अदरवाइज तो वैसे हम लोगों ने वैक्यूम क्लीनर वगैरह सब कुछ लिया हुआ है, इनके लिए भी हम लोगों ने लिया डायसन वगैरह के सब कुछ, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। और ये ना देखो गेट खोल लेता है, अगर गेट का लॉक ना लगाऊँ तो हाथ मार के गेट खोल लेता, कुंजू से गेट नहीं खोलता उससे ना, मतलब वो बहुत मेहनत करती रहती, कभी खुल जाता है कभी नहीं, 90% तो उससे खुलता ही नहीं गेट, बट बहुत शैतान है, वो बैठी रहती है वहाँ पर। और इसके बाद जो है कुंजू को भी कटिंग करवानी, कुंजू की भी करवाते रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडी ब्रीड के हेयर फॉल नहीं होता, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है इंडी ब्रीड का भी। जो लोग सोचते हैं कि नहीं इंडी ब्रीड का नहीं, तो पहले मुझे भी ऐसे लगता था, बट जब हमने उसको अडॉप्ट किया तो उसके बाद पता चला कि हाँ उसके भी बहुत सारे बाल झड़ते, इवन पावलो से ज़्यादा मुझे उसके बाल झड़ते, क्योंकि छोटे छोटे बाल होते हैं कपड़ों में ना बिल्कुल घुस जाते हैं। और पावलो कुंजी ना आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हमारी वीडियो में, बिल्कुल मतलब ऐसे रहते हैं जैसे हम रहते हैं, हमारे कहीं पर भी कोई रोक ठोक नहीं उनकी, उनको जहाँ मन करे वहाँ बैठे, जहाँ मन करता है वहाँ लेटते हैं, ऐसा कोई भी हम लोग उन पर रोक ठोक नहीं करते, क्योंकि वो हमारी फैमिली का पार्ट है, हमारे बच्चे के जैसे हैं। पावलो तुझे टाइगर बनवा दे, भैया पीछे ना छोटी सी पूंछ छोड़ना इतनी इतनी टाइगर वाली। बैठे, बैठे, बैठे। बैठ दो बच्चे, तुझे माया बनवा देंगे, माया है? माया फीमेल टाइगर। एंड अब भैया पाब्लो को नहला रहे हैं, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मुझे लगा था कि अर्ली मॉर्निंग भैया आ जाएंगे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी, बट ऐसा नहीं हुआ, भैया थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए। और कटिंग भी करवानी बहुत ज़रूरी थी, ग्रूमिंग, क्योंकि भैया बहुत दूर से आए थे तो मजबूरी में मुझे करवाना पड़ा इनका, जो है ना मैं इतनी धूप देख के तो कभी नहीं करवाने वाली थी। और जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा कुंजू बाहर ही बैठी रहेगी, उसकी आदत है, मतलब पाब्लो को कहीं भेजो ना वो तो रोती है, मैं किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा आपको वो कितना रोती है। आप कर लो, सारे क्लीन कर दिए मैंने वहाँ से। पावलो ए इधर आ, ये तो खुद ही आ जाएगा वापस, आ जाएगा। बैठो बस 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 बस, बैठिए आराम से शांति से, ये तो परेशान ही नहीं करती, वैसे ही बैठ जाती है ये आप ही ना, इसके ब्रश ब्रश भी करोगे आराम से करवाएगी ये। एंड यहाँ पे अब दिव्यू खेल रहा है, इसकी आदत है, इसको ना अगर फ्लोर पे आप बैठा दो ना तो बहुत टाइम तक खेलता है, क्योंकि इसको ना एक स्पेस, खाली स्पेस काफ़ी मिल जाता है। और अगर बच्चे को आप थोड़ा बंद 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 रखते हैं ना तो बच्चा उतना ज़्यादा खुलकर नहीं खेल पाता है। और टॉयस से तो मुझे लगता है यही नहीं कोई भी बच्चा नहीं खेलता, तो बच्चों के लिए टॉयस लेने ही नहीं चाहिए, पैसा बर्बाद ही नहीं करना चाहिए, इससे अच्छा तो घर के लिए डोरमैट चप्पल ये सब ले लो जिनसे खेलते हैं ऑलरेडी। जैसे आप देख ही रहे हैं कितना भी बच्चे को हाइजीन रखने की कोशिश कर लीजिए आप, लेकिन ये हरकतें बच्चे करते ही करते हैं। और इसके साथ भी बड़ा इशू, इसको ना बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, मतलब आग झपकी नहीं और दुर्घटना ये कांड कर देता। और यहाँ पे पावलो कुंजू और अब दिव्यू तीनों सो गए हैं, क्योंकि पावलो कुंजू को अच्छे से कटिंग वगैरह हो गई है, ये भी नहा लिए तो बहुत अच्छे से ना ये पावलो तो बहुत ही हल्कापन महसूस कर रहा हो, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बाल थे, कुंजू के तो कम है तो उसको उतना नहीं होता, बट हाँ पावलो बहुत रिलैक्स फील कर रहा है इस टाइम पर। एंड ये देखो इस बार मैंने क्या किया है, मैंने इसके पैरों के, भैया ने बोला था कि इसके ना शूज़ वाले वो छोड़ दो, बूट वाले जो होते हैं, मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे देखो मेरा दुपट्टा लेके बैठा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज है, घर में कोई भी कपड़ा नहीं छोड़ता, किचन का तो कोई नहीं, दीदी हल्की सी आंख लगती है और एकदम से साइड से निकाल के ले जाता है, और इससे वो कपड़ा वापस लेना ना बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में, मतलब इसको ना बहुत लालच देना पड़ता है। कभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी हम कितना लालच देते हैं इसको, लेकिन तब जाके ये कपड़ा छोड़ता है, इसका मन होता है तो, वैसे फाड़ता नहीं है, अगर इसको छेड़ो तो ये कपड़ा फाड़ता है। और कुंजू के अंदर आदत है कि कुंजू मतलब जो है ना छोटी 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 चीज़ें जो होती हैं उनको उठा उठा के अपने पास रखती रहती है। और यहाँ पे ये सेफ्टी डोर लगाए हुए हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई घर में आया है तो डॉग्स ना मतलब जंप करते हैं, काटते नहीं हैं लेकिन जंप करते हैं, तो किसी को पसंद होता है किसी को नहीं। एंड यहाँ पे भी ये लोग खेल रहे हैं, और अब मैं मिलता हूँ कल के ब्लॉग।